हेलो गाइस, वेलकम टू एडीजी ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एक यूनिक क्रिकेट गेम, मतलब वो आईपीएल बेस्ड हो सकता है या इंटरनेशनल बेस्ड हो सकता है, वो भी बीसीसीआई की तरफ से आने की पूरी चांसेस है। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी है गाइस, वो मैं आपको वो संडे रिवील करूँगा। तो आप लोग ज़रूर ट्यून कीजिए हमारे चैनल पे, तो आप लोगों को उस दिन बताऊँगा मैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा मेन टॉपिक है एक क्रिकेट गेम के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं जो बताने वाला हूँ 100% जेन्युइन है, और सोर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर इस वाले इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैं जो भी बताता हूँ, मैं जब से यूट्यूब किया है जेन्युइन ही बताता हूँ। उसका क्या चांसेस है वो क्रिकेट गेम आने का, वो उसके बारे में यहाँ पर वो ही बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको पता है अभी मीटिंग हुआ है आईपीएल का, मतलब रिटेंशन क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट रोल हटाना, ये सब चीज़ें हो रही है। और मीटिंग भी हुआ था सारे फ्रेंचाइजीज़ के साथ, और बीसीसीआई ने वो कंडक्ट किया था। तो एक मीटिंग लंबा सा गया था और बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हुई उसमें, और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी बाहर आ चुका है गाइस। तो वो चीज़ मैं आपको रिवील करूँगा। तो मैं आपको पहले वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसमें क्या चीज़ है, और वो पढ़ के आपको फिर से एक्सप्लेन कर लूँगा। सो गाइस, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जो है देखो। तो गाइस, ये बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल रिलीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। द बोर्ड कंट्रोल ऑफ, मतलब बीसीसीआई वेनेसडे ऑर्गेनाइज्ड ए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद द ओनर्स ऑफ द 10 फ्रेंचाइजीज फेयर ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग द अपकमिंग सीजन ऑफ टाटा आईपीएल। द फ्रेंचाइजी ओनर्स टेबल फीडबैक ऑन प्लेयर्स रेगुलेशंस एंड अदर कमर्शियल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सेंट्रल मर्चेंडाइजिंग लाइसेंसिंग एंड गेमिंग। The BCCI will now take these recommendations to IPL Governing Council for further deliberation and evaluation before formulating the IPL player regulations. तो ये BCCI की तरफ से ऑफिशियल रिलीज़ है। तो यहाँ पर हम ये बीच वाला जो पैराग्राफ देखेंगे, तो यार लास्ट के एंड में लाइसेंसिंग एंड गेमिंग। तो गाइस, आपको पता है, मैं छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, आपको पता है जो फुटबॉल है, फीफा जो गेम है, फेडरेशन जो उनका है, वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि उनका ब्रांडिंग भी गेम के साथ हुआ है। मतलब आपको पता है, पहले ईए वालों ने फीफा गेम बनाया था, तो वो बहुत साल से बना रहे थे, 2012 से देख रहा था उनका, बहुत सारे वर्जन्स भी आए हैं फीफा का। तो उनका गेम का ब्रांडिंग भी हो गया फीफा फेडरेशन का, उसके साथ साथ बहुत अच्छा वैल्यू मिलती है गेम्स के थ्रू भी। तो यही कुछ करने वाले हैं, पर वो मेरे को लगता है कि यार अभी इंटरनेशनल की जगह शायद आईपीएल का लाइसेंस्ड गेम मिल सकता है बीसीसीआई की तरफ से, मतलब एक बड़ा सा जो कंपनी है वो शायद एक्वायर करके और ऑफिशियल लाइसेंस दे के सारा आईपीएल टीम्स का, तो वो एक्वायर करके भी यहाँ पर गेम बनाने की चांसेस भी है। उसके साथ साथ गाइस, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको भी पता है अभी क्रिकेट 24 जो गेम है, मतलब पीसी का, उसमें आपको 8 टीम का लाइसेंस मिला है, सिर्फ और सिर्फ सीएसके और आरसीबी का लाइसेंस नहीं मिली है, वो अलग बात है। तो वो भी ऑफिशियल लाइसेंस गेम है, तो अगर चांसेस तो है इसका भी, शायद क्रिकेट वाला, मतलब बिगैन स्टूडियोस वाले भी एक्वायर कर सकते हैं, पूरा लाइसेंस गेम बना सकते हैं बीसीसीआई के थ्रू। तो ये भी एक चांस हो सकते हैं, ये तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा ऐसा हुआ तो। क्योंकि यार आपको पता है फीफा जो गेम है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले होती है, करियर मोड होती है, मैनेजर मोड होती है, और फ्री स्टाइल गेम भी खेल सकते हैं, मतलब छोटे स्टेडियम में, मतलब वो भी आप खेल सकते हो, वोल्टा फुटबॉल, ऐसा कुछ ऑप्शन रहते हैं। तो क्रिकेट में भी स्ट्रीट वो भी ऐड कर सकते हो गेम मोड्स के अंदर, तो क्रिकेट का भी सेम ऑप्शन है जिसमें जितना फीफा में है, ये बोलना चाहता हूँ मैं। तो ये सारे चीज़ें है गाइस। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करना, और सैटरडे या संडे को अनाउंसमेंट होगी तो उसके बारे में भी आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।